अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू माई चैनल हैदराबादी मॉम इन अमेरिका। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी चिकन ड्रमस्टिक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट एंड जूसी। इसे बनाने में बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, यानी बहुत ही कम टाइम में बन जाता है ये रेसिपी। आप इसे खट्टी दाल और वाइट राइस के साथ खा सकते हैं, या इसे सिंपली टोमेटो केचप और रैंच में डिप करके भी एंजॉय कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं क्रिस्पी चिकन ड्रमस्टिक्स। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ 2 LB चिकन ड्रमस्टिक्स ले रही हूँ, और इसे अप्लाई करने के लिए मसाला पेस्ट बना लेंगे। एक बॉल में सारे मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून करियांडर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, 2 टीस्पून सॉल्ट या हसबे ज़रूरत ऐड करिए। वन टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और हरा मसाला ऐड करेंगे। अभी एक अंडा लेकर अच्छे से एक छोटे से बॉल में फेंट ले और इसे भी इस मिक्सचर में ऐड कर दीजिए। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/8 टीस्पून रेड फूड कलर, जो बिल्कुल ऑप्शनल है, और 1 टीस्पून कसूरी मेथी को अपने दोनों हथेली से क्रश करके ऐड करिए। फिर इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम बाकी के पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/4 कप ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा। इन सभी चीज़ों को अपने हाथ से मिक्स कर लीजिए, चाहे तो आप स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं। टेस्ट के लिए मैं यहाँ 2 टेबलस्पून लेमन जूस भी ऐड कर रही हूँ, जो कि इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसाला पेस्ट बन गया है। चलिए अभी एक एक करके सभी चिकन लेग पीसेस को मसाला पेस्ट अच्छी तरह अप्लाई कर लेंगे।
देख सकते हैं सभी चिकन लेग पीसेस को मसाला पेस्ट अच्छी तरह लगा दिया है। अभी हम इसे एक घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे, या अगर आप नेक्स्ट डे के लिए बनाना चाह रहे तो एक दिन पहले रात में मैरिनेट करके फ्रिज में रख दीजिए। रात भर मैरिनेट करने से चिकन का जायका और भी बढ़ जाता है। एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैं एक घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। चलिए अब फ्राइंग प्रोसेस देखते हैं। एक बड़े से पैन में हस्ब ज़रूरत ऑयल ऐड करिए और अच्छे से हाई फ्लेम पे गरम कर लीजिए। तेल अच्छे से गरम होने के बाद मैरिनेटेड चिकन पीसेस को एक एक करके तेल में ड्रॉप कर देंगे और इसे 1 से 1.5 मिनट बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जब इसकी आउटर कोटिंग फर्म और क्रिस्पी हो जाएगी तब इसकी साइड को टर्न कर दीजिएगा। अगर आप पहले टच कर देंगे तो इसकी आउटर कोटिंग तेल में उतर जाएगी। 2 से 3 मिनट के बाद हमें गैस के फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे और चिकन को धीमी आंच पे पकाना है। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो चिकन बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएगा मगर अंदर से कच्चा रह जाएगा। लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट पकाएंगे और साइड टर्न करेंगे। साइड टर्न करने के बाद 2 से 3 मिनट पका लेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारे सभी चिकन पीसेस का कलर बेहतरीन आया है, आउटर कोटिंग फर्म और क्रिस्पी भी हो गया है और अंदर से भी चिकन गल चुका है। फाइनली अब इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि जो लेफ्ट ओवर ऑयल टिश्यू पेपर पे चिकन छोड़ देगा। बाकी के ड्रम स्टिक्स भी इसी मेथड से फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह, हमारा लाजवाब क्रिस्पी चिकन ड्रम स्टिक्स रेडी हो गया है। जैसे कि मैंने कहा, इसे आप सिंपली टोमेटो केचप या रैंच में डिप करके एंजॉय कर सकते हैं, या जुम्मे के दिन बघारा खाना और कद्दू गोश का दालचा के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को बिना भूले सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।